हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन कढ़ाई मसाला रेसिपी। तो देख सकते हैं ये लेग पीस है और कलेजी है। मुझे ना लेग पीस बहुत पसंद है, तो घर में ना मेरे लिए लेग पीस ज़रूर आता है। किसको किसको लेग पीस पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। और 2 केजी चिकन है, इसे ना हम अच्छे से धो के एक प्लेट में रख लेंगे। एक ही बार धोएंगे, ज़्यादा धोने से ना फीका लगेगा और खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम मसाला निकालेंगे, और मसाला में ना जीरा गोल की है, धनिया है, लहसुन है, एक जावित्री, दालचीनी और लाल मिर्च है, और प्याज है बड़ा साइज़ का, पाँच पाँच कटा हुआ, और मिर्च है 5 स्लाइस किया हुआ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और तेल डालेंगे, सरसों का तेल, और उसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि ना चिपके ना चिकन। और इसमें डालेंगे जीरा, जीरा को अच्छे से चटकने देंगे, और हम चिकन को डालेंगे। और ना दीदी और मैं चला रहे हैं फ्रेंड, बहुत सारा चिकन है ना, तो चला नहीं पा रहे थे दोनों, तो मिल के चला रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी डाल लेंगे, और इसे अच्छा से चला लेंगे। इससे क्या होगा ना कि बिस्तर जो है ना उस वो नहीं लगता है चिकन में। और जब तक तो पानी कम नहीं होगा तब तक हम भून लेंगे चिकन को। तो पानी हम लोग का कम हो गया है, हम इसे ना चला लेंगे और अच्छे से फ्राई करके निकालेंगे। फ्रेंड मैं ना अदरक नहीं डाल रही हूँ चिकन में, मेरा घर में ना सबको बवासीर है, माँ को, नानी को, तो नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हैं, अदरक का यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं मेरा जो चिकन है ना, जूम करके दिखा रही हूँ, कितना अच्छा फ्राई हो रहा है और चिपक भी नहीं रहा है। बीच बीच में मैं ना चलाते रहूँगी क्योंकि चिपकेगा नहीं नीचे से। तो हम लोग का जो चिकन है ना वो फ्राई हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ गया है इसमें। तो ना मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, इस तरह से निकाल लेंगे, और कढ़ाई साफ़ करके थोड़ा सा धो लेंगे कढ़ाई को, क्योंकि मसाला जो है ना जल जाता है तो खाने में टेस्ट नहीं लगेगा, इसीलिए उसे मैं नहीं बनाऊंगी। देख सकते हैं फ्राई किया हुआ भी कितना लाजवाब दिख रहा है ना, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल, तेज पत्ते डालेंगे, जीरा डालेंगे, अच्छे से चटकने देंगे, प्याज कटा हुआ और हरी मिर्च है वो डालेंगे फाड़ा हुआ, हम ना नमक डाल लेंगे ताकि प्याज है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, और अच्छे से चला लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड हम लोग का जो प्याज है ना उसका कलर चेंज हो गया है, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला जो मैं बताई थी आप लोगों को, वही मसाला है, और हम इसे अच्छे से चला लेंगे। हल्दी पाउडर डाल लें और अच्छे से चला लें। तरह से हम ना 2 से 3 बार पानी डाल डाल के भुनेंगे फ्रेंड, कच्चा वाला मसाला ना जल्दी भूनता नहीं है, इसलिए इस तरह से चला चला के हम भून लेंगे। तो हम ना कूटा हुआ ऊपर से डालेंगे लहसुन, और 8-10 कलियाँ हैं, टमाटर 1 है उसे डालेंगे बड़ा साइज़ का, और नमक डालेंगे ताकि जल्दी सॉफ्ट हो लहसुन और टमाटर। और हम इसमें डाल देंगे पानी ताकि मसाला भी भून जाए और सॉफ्ट हो जाए जल्दी से टमाटर। तो देख सकते हैं इसे हम चला लेंगे अच्छे से। अब ना हम इसमें डाल लेंगे चिकन मसाला और चला लेंगे अच्छे से। तो हम लोग का जो मसाला है ना उसका कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ गया है और हम लोग का मसाला भी भून गया है फ्रेंड, देख सकते हैं। तो हम ना अब डालेंगे चिकन को, सारे चिकन को डाल लेंगे। तो सारे चिकन को मैंने डाल लिया है, अब इसे अच्छा से मैश कर लेंगे, चला लेंगे इस तरह से, सारे मैश हो गया है। तो हम इसमें ना पानी थोड़ा सा डालेंगे ताकि जो मसाला है ना अच्छा से भून जाए और
अंदर तक मसाला चल जाए चिकन में। तो देख सकते हैं दूर से दिखा रही हूँ, हम लोग का जो चिकन है ना बन गया है, आप उलझ के खा सकते हो फ्रेंड, आ जाओ खाने के लिए। बट मैं एक ग्रेवी वाला बना रही हूँ थोड़ा सा, तो इसमें पानी डालूँगी, देख सकते हैं सारे को मिला के मसाला वगैरह को चला लेंगे एक बार अच्छे से। हम लोग का ग्रेवी बन गया है देख सकते हैं फ्रेंड, मैं शब करके दिखाती हूँ, उबाल भी आ गया है बहुत अच्छा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड। तो देख सकते हैं बन के रेडी है। ठीक है फ्रेंड, बाय।